साथियों, यूपी में और केंद्र में पहले जो सरकारें रही उन्होंने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया, उसका एक उदाहरण ये जेवर एयरपोर्ट भी है। दो दशक पहले यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था, लेकिन बाद में ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही उनकी खींचतान में उलझा रहा। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। वैसे साथियों, मैं आज एक बात और कहूंगा, मोदी योगी भी अगर चाहते तो 2017 में सरकार बनते ही यहां आकर के भूमि पूजन कर देते, फोटो खिंचवा देते, अखबार में प्रेस नोट भी छप जाती। और अगर ऐसा हम करते तो पहले की सरकारों की आदत होने के कारण हम कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा भी लोगों को नहीं लगता। पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणाएं होती थी, कागजों पर लकीरें खींच दी जाती थी, लेकिन प्रोजेक्ट जमीन पर कैसे उतरेंगे, अड़चनों को दूर कैसे करेंगे, धन का प्रबंध कहां से करेंगे, इस पर विचार ही नहीं होता था। इस कारण से प्रोजेक्ट दशकों तक तैयार नहीं होते थे, घोषणा हो जाती थी, प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ जाती थी, फिर बहानेबाजी शुरू होती थी, देरी का ठिकरा दूसरों पर फोड़ने की कसरत होती थी। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्रनीति का हिस्सा है, भारत के उज्जवल भविष्य की एक जिम्मेवारी है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अटके नहीं, प्रोजेक्ट लटके नहीं, प्रोजेक्ट भटके नहीं। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि तय समय के भीतर ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा किया जाए। देरी होने पर हमने जुर्माने का भी प्रावधान किया है।